नमस्कार दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। मैंने कल जो लेक्चर लिया था, ठीक है, मैंने जो कल लेक्चर लिया था, मैंने आपको बोला था इसमें प्रायद्वीपीय नदियों में पूर्वी तट और पश्चिमी तट पढ़ाऊंगा, ठीक है। कल के लेक्चर में हमने बात की थी पूर्वी तट और पश्चिमी तट के बारे में, ठीक है। बट वहां पे मैंने आपको डिटेल से पूर्वी तट के बारे में बताया, ठीक है, पूरी तरह से मैंने डिटेल में पूर्वी तट के बारे में बताया। मैंने पश्चिमी तट के बारे में आपको बहुत कम चीजें बताई थी, ठीक है, शायद मैंने बहुत कम चीजें बताई थी। तो कल जब मैं देखा, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। पूछे तो नहीं जाते, बट अगर बने, पूछे तो बहुत भी जाते हैं, ऐसा नहीं पूछे नहीं जाते, पूछे जाते हैं, बट अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। लेकिन कल जब मैंने देखा तो मैंने बोला कि नहीं, यहाँ से भी बहुत सारी चीजें हम पढ़ सकते हैं, क्यों, हमको पढ़ना ही है, ठीक है, तो क्यों ना डीप में पढ़ लेते हैं, कौन सा प्रश्न कहाँ आ जाए पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आज सिर्फ और सिर्फ पूर्वी तट के बारे में एक लेक्चर बनाने के लिए सोचा है, ठीक है। तो ये पूर्वी तट पूरी तरह से कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है, इतने में पूर्वी तट खत्म हो जाएगा और इसमें से मैक्सिमम ज्यादातर क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने पूर्वी तट को अलग से एक लेक्चर लेने के लिए सोचा, ठीक है। तो आइए पूर्वी तट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि कल मैंने पश्चिमी तट के बारे में आपको बताया, उसी तरह से आज पूर्वी तट के बारे में बात करेंगे। तो आप हेडिंग डालिए पूर्वी तट, ठीक है, पूर्वी तट या पूर्वी तट की नदियां, ठीक है, या अरब सागर में मिलने वाली, यहाँ पे सब बंगाल की खाड़ी में मिल रही थी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अरेबियन सी, ठीक है, ये अरेबियन सी है। तो अरेबियन सी में मिलने वाली और बे ऑफ बंगाल में, ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया, बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियां। आज हम पढ़ेंगे अरेबियन सी, ठीक है। कल भी मैं ये सारी चीजें आपको बताई थी, बट मैंने बोला था, लिखवाया नहीं था, तो आज मैं थोड़ा सा अगर ऐसे बता दूंगा तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले कुछ समझने वाली चीजें, बट समझने के साथ साथ आप लिखेंगे भी, ठीक है, मैं बोलूंगा नहीं बट आपको लिखना है, ठीक है। पहले हम क्या कर लेते हैं, क्रमशः रिवर को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में, जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्रम में लिख के दिया था सारे रिवर, उसी तरह से इस क्रम में कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला है लोनी, किस क्रम में, पूर्वी तट पे नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, इस साइड से हम पढ़ेंगे और इसी क्रम में हम लिखेंगे भी। तो पहला रिवर होगा लोनी, दूसरा साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुवारी, ठीक है, सरावती, गंगोली, पेरियार, ठीक है, भरतभूषण। तो ये हो गई सीरीज, इस लाइन में हमको क्या करना है, इसको याद करना है। जिस तरह से पश्चिमी तट पे बहुत सारी छोटी छोटी नदियां, उसी तरह से पूर्वी तट पे बहुत ज्यादा छोटी छोटी नदियां हैं। बात करेंगे छोटी नदियों पे, बट अगर हम बहुत डीप में चले जाएंगे छोटी नदियों पे, तो आपको सैकड़ों रिवर मिल जाएंगे छोटी छोटी नदियां, तो हमको वहां तक नहीं पहुंचना, वहां से क्वेश्चन बनते भी नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं रिवर में से बनते हैं, ठीक है। तो जहां तक लगता है मैंने छोटी रिवर को लिखा हुआ है, बट पूरी तरह से छोटी छोटी रिवर नहीं है, ठीक है। आप मैप में देखेंगे एटलस पे, तो आप अगर मैप में 3 से 4 बार उसको कंटिन्यू देखेंगे तो आपको छोटी रिवर भी याद हो सकती है, ठीक है। बट ये सीरीज आप मत भूलना, इस सीरीज में ही आपको याद करनी है, ठीक है। तो कुछ चीजें पहले हम समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि पश्चिमी तट पे डेल्टा का निर्माण करती है नदियां पश्चिमी तट पे डेल्टा का निर्माण करती है, बट पूर्वी तट पे एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है, एस्चुरी का निर्माण करती है। मैंने आपको बोला था कि आप कंपेरिजन करके पढ़ लीजिए पूर्वी तट और पश्चिमी तट में, तो उसी तरह से पश्चिमी तट पे क्या हुआ था, डेल्टा का निर्माण होता है और पूर्वी तट पे एस्चुरी का निर्माण होता है, ठीक है। लैगून झील का भी निर्माण इस साइड पे होता है, लैगून झील का निर्माण इस साइड पे भी होता है। लैगून झील मैंने आपको बताया था कि लैगून झील किस तरह से निर्माण होता है, और लैगून झील का पानी खारा होता है, वहां पे कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है, केन रिवर से बनता है, ये आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हाँ, तो एक बार मैं डायग्राम में आपको समझा देता हूँ। डायग्राम में आप अगर देखेंगे तो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है वो इस तरह से है, हाँ, इस तरह से है। यहां से मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये ढलान यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे ऐसे रिवर काट के सी लेवल प्राप्त कर लेते हैं, सी लेवल को क्या कर लेती है, पा लेती है, ठीक है। बट यहाँ पे जो रिवर फ्लो करती है वो इस तरह से, देखो यहाँ पे बहुत सारे रिवर फ्लो कर रही है इसलिए इनको काट छाट देती है, और इनकी जो लंबाई होती है, जो चौड़ाई होती है, बहुत ज्यादा होती है और वो कंटिन्यू फ्लो करती है, बारहमा बहने वाली नदियां होती है, गंगा यमुना, ठीक है। बट यहाँ इसीलिए ये इसका जल्दी क्षरण हो गया और यहाँ पे ये पागल। इन फ्यूचर ये भी काम हो सकता है कि यहाँ पे भी
हो जाए, बट यहाँ की नदियां सूख जाती हैं, ठीक है। सूखने की वजह से फिर क्या होता है, ये इनको काट नहीं पाती है। इसलिए यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ढलान है, यहाँ पे ढलान है ना, तो इसी ढलान की वजह से यहाँ पे झील का निर्माण होता है। तो आप पहला पॉइंट लिख लेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां झील का निर्माण करती हैं, क्योंकि उनकी जो गति होती है, जो उनकी स्पीड होती है, बहुत ज्यादा तीव्र होती है, बहुत ज्यादा अधिक होती है, ठीक है, जिसके वजह से वो रिवर क्या करती है, झील का निर्माण करती है। तो जब झील की यहाँ से पानी गिरेगा तो सीधी सी बात है यहाँ पे किसी न किसी का तालाब तालाब बनेगा, ठीक है, पानी यहाँ पे बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां पूर्वी तट, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी तट की नदियां किसी चीज का निर्माण करती है, झील का निर्माण करती है, ठीक है, झील का निर्माण करती है। आगे चलते हैं, अब आप हेडिंग डालिए लूनी रिवर, लूनी रिवर हेडिंग डालिए। लूनी रिवर यह कहां से निकलती है, देखो यहां पे लूनी रिवर यह अरावली पर्वत, ठीक है, यह अरावली पर्वत से निकलती है, सांभर झील से, किस झील से, सांभर झील से आप लिखेंगे। लूनी रिवर यह अरावली के सांभर झील से निकलती है और फ्लो करते हुए गुजरात के, ठीक है, गुजरात के कच्छ की कच्छ में जाके मिल जाती है, गुजरात के कच्छ के दलदल में जाके मिल जाती है। इसको कच्छ की खाड़ी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, इसको कच्छ की खाड़ी बोलते हैं, इसको खंभात की खाड़ी बोलते हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है, खंभात की खाड़ी, और ये कच्छ की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ का दलदल है, और ये सौराष्ट्र है, ये सौराष्ट्र, कच्छ का दलदल, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी, ये सौराष्ट्र है, ठीक है। तो आप लिखेंगे अरावली के सांभर झील से निकलते हुए वह गुजरात में, गुजरात के कच्छ के दलदल में जाके मिल जाती है। मात्र यही एक ऐसी रिवर है जो कि यहीं पे स्टार्ट होती है और यहीं पे खत्म हो जाती है, इसका अरब सागर में नहीं मिलती है। ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं कि बताइए लूनी रिवर कहाँ पे जाके मिलती है, ठीक है, अरब सागर में मिलती है कि नहीं मिलती, तो नहीं मिलती है, वो अरब सागर में नहीं मिलती, वो कहाँ पे, गुजरात में ही खत्म हो जाती है। लूनी एक ऐसी रिवर, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए पूर्वी तट पे ऐसी कौन सी रिवर है जो अरब सागर में नहीं मिलती है, तो उसका आंसर क्या होगा, लूनी रिवर, ठीक है। लूनी रिवर कहाँ जाके मिलती है, कच्छ के दलदल में जाके मिल जाती है, ठीक है, ना कि अरब सागर में जाके मिलती है। तो कहां से निकलती है, ये इतना हो गया। सेकंड पॉइंट लिखिए साबरमती रिवर, सेकंड लिखिए साबरमती रिवर, साबरमती रिवर, ठीक है, यहां पे देखो साबरमती रिवर, हाँ ठीक है। तो आपने ये लिखा, पहले साबरमती से पहले हम जरा माही के बारे में पढ़ लेते हैं, जरा ये माही रिवर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जरा माही रिवर के पहले देख लेते हैं, फिर साबरमती का देखते हैं। माही रिवर, अब लिखिए पहला पॉइंट, माही रिवर यह कर्क रेखा को दो बार काटती है, कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, दो बार। एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कौन सी रिवर है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो कौन सी रिवर है वो, माही रिवर, माही रिवर या कर्क रेखा को दो बार काटती है। ये कहां से निकलती है, विंध्य पर्वत, ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पे ये कहां से निकलती है, विंध्य पर्वत से निकलती है, ठीक है। विंध्य पर्वत के तीन भाग मैंने आपको नाम बताए थे, दो दो भाग थे अलग अलग नाम से उसको, भांडे और दूसरे का नाम क्या था आप बताएंगे, ठीक है। ये कौन सा रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा का ये कौन सा है, राजपिपला, महादेव, मैकाल, ठीक है, हाँ। तो मध्य प्रदेश से निकलती है, हाँ मध्य प्रदेश से निकलती है और फिर कर्क रेखा को दो बार काटती है और फिर कहां पे जाके मिल जाती है, खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे सूरत, सूरत के तट पे जाके मिल जाती है, कहां पे मिलती है, सूरत के तट पे जाके मिल जाती है, ठीक है। तो ये हो गए माही रिवर, अब आप इसके बारे में लिखिए साबरमती रिवर, हेडिंग डालिए साबरमती रिवर, या फिर साबरमती पहले चलता था बट मुझे लगा कि पहले इसको लिखा दे क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, आप लिखिए साबरमती, ठीक है। साबरमती रिवर यह राजस्थान से निकलती है, राजस्थान के उदयपुर के मेवाड़ से निकलती है, ऐसे लिखेंगे, राजस्थान के उदयपुर के मेवाड़ से निकलती है तथा यह राजस्थान से फ्लो करते हुए गुजरात में गांधीनगर, अहमदाबाद, इन दो मेन चीजों से गुजरती है। गांधीनगर वहां की राजधानी है, अहमदाबाद सबसे बड़ी सिटी वहां पे, और वहां से निकलते हुए कच्छ के खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो इसके निकट में अगर एग्जाम में पूछा था बताइए गांधीनगर किस तट के रिवर, किस तट के नदी के रिवर के मतलब बगल में है, तो कौन सी रिवर है वो, साबरमती रिवर के
निकट है, गांधीनगर। अगर अहमदानगर अहमदाबाद ही पूछा था तो आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। आगे लिखिए माही रिवर, माही रिवर हो गया, आप लिखिए नर्मदा रिवर, ठीक है। नर्मदा रिवर टॉपिक डाल दीजिए। नर्मदा रिवर यह सतपुड़ा रेंज है, ठीक है, सतपुड़ा रेंज और विंध्य रेंज के बीच में बहती है, बीच में फ्लो करती है, ठीक है, या फिर उनके भ्रंश घाटी पे फ्लो करती है। तो आप ऐसा लिखिए नर्मदा रिवर यह विंध्य पर्वत और सतपुड़ा रेंज के भ्रंश में फ्लो करती है। तथा सेकंड पॉइंट लिखिए यह क्या है, राजपिपला महादेव मैकाल, मैकाल के अमरकंटक चोटी से निकलते हुए मध्य प्रदेश में जबलपुर, मध्य प्रदेश के निकट जबलपुर से होते हुए यह महाराष्ट्र में फ्लो करती है, ठीक है, और फिर खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है, ठीक है। क्या समझा आपने यहाँ पे, मैकाल के अमरकंटक से निकलते हुए जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट से निकलते हुए खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है, ठीक है, गुजरात और सॉरी हाँ ये कौन सी रिवर है, नर्मदा, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए नर्मदा यह अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी रिवर है, अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी रिवर है। तथा उसके आगे कंटिन्यू करिए तापी, सेकंड तापी यह दूसरी सबसे लंबी रिवर है, किसमें, अरब सागर में मिलने के लिए। अगर ये बात की जाए कि पश्चिमी साउथ इंडिया में नर्मदा कौन से नंबर पे आती है, तो पहले गोदावरी है, दूसरा कृष्णा है और तीसरा नर्मदा रिवर है, जो लॉन्गेस्ट रिवर है यहाँ पे, ठीक है। तो पहली रिवर किसमें आती है, अरब सागर में मिलने में, थर्ड रिवर किसमें आती है, लॉन्गेस्ट रिवर में या लंबी रिवर में, ठीक है। चलिए हाँ एक पॉइंट और लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में कि यह रिवर कहां से निकलती थी, मैंने बताया आपको अमरकंटक से निकलते हुए जबलपुर में फ्लो करते हुए, ठीक है, यहाँ पे भड़ौच, ठीक है, क्या भड़ौच, गुजरात के भड़ौच के पास जाके मिल जाती है। कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए कि नर्मदा रिवर कहां पे जाके मिलती है, तो क्या कहां पे जाके मिलती है, भड़ौच में जाके मिल जाती है, ठीक है, भड़ौच में जाके मिल जाती है। सबसे ज्यादा फ्लो कहां पे करती है, ये एमपी में। तो आप लिखेंगे अगला पॉइंट कि नर्मदा रिवर यह एमपी में सबसे ज्यादा फ्लो करती है या फिर लॉन्गेस्ट है, सबसे ज्यादा फ्लो कहां पे करती है, एमपी में। ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, ये हो गया नर्मदा, अब लिखिए तापी रिवर, तापी रिवर लिखिए, तापी रिवर यह कहां फ्लो करती है, सतपुड़ा के नीचे, सतपुड़ा के निकट यह फ्लो करती है। कहां से निकलती है, इसका ओरिजिन कहां पे, मैंने बताया राजपिपला महादेव मैकाल, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, यह महादेव, हाँ यह कहां, महादेव के बैतूल, महादेव के बैतूल चोटी से निकलती है, बैतूल चोटी से निकलती है और कुछ देर फ्लो करने के बाद, ठीक है, कहां पे, महाराष्ट्र में फ्लो करने के बाद फिर कहां पे जाके मिल जाती है, यहां पे अरबियन सी में, अरबियन सी में, ठीक है। नहीं, इसको भी कच्छ की खाड़ी बोलेंगे, क्योंकि ये भाग मैंने यहां तक बनाया, बट मैप में आप देखोगे तो यहां तक है, तो ये भी कहां जाके मिलती है, कच्छ की खाड़ी में। अब कच्छ की खाड़ी में मिलने वाली कौन कौन सी रिवर है, देखो जरा ध्यान दे दो यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि साबरमती, लूनी नहीं है, लूनी देखो कच्छ के कच्छ यहाँ दलदल में, गुजरात के दलदल में फ्लो करती है। तो पहली कौन सी है, खंबात की खाड़ी मिलने के लिए, साबरमती, दूसरी माही, नर्मदा और तापी रिवर, ये सब कहां मिलती है, खंबात की खाड़ी में। आप लिख लीजिए इसको पॉइंट करके कि तापी, नर्मदा, माही और साबरमती यह कहां जाके मिलती है, खंबात की खाड़ी में, ठीक है। चलो हाँ, तो आप ये भी यहां पे लिख सकते हैं कि ये सूरत, ठीक है, सूरत, ये देखो ये मैप एक्चुअल में मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया हूं, बट एग्जैक्ट लोकेशन वो नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन आप कहां पे देखेंगे, मैप में, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ और नोट्स बनवा रहा हूँ, तो नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और समझना, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज को मैप में अच्छे से देखिए, क्योंकि बोर्ड पे एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ के लिखना इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप मैप सामने रख के मेरे साथ पढ़ाई कीजिए, ठीक है, मैप सामने रहेगा तो आप अच्छे खासे समझ जाएंगे और चीजें तुरंत याद हो जाएंगी, ठीक है। तो
सूरत पे आके, सूरत के तट के पास आके मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट किसके हो गए, तापी के। और आप लिख लीजिए कहाँ कहाँ फ्लो करती है, महाराष्ट्र में, एमपी में और गुजरात में, इन तीनों स्टेट में फ्लो करती है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि तापी किन किन स्टेटों में फ्लो करती है, तो आपको ये लिखना होगा, ठीक है। अब आइए, अब बात करते हैं सह्याद्री, जिसको पूर्वी तट भी बोला जाता है। तो पूर्वी तट की नदियों के बारे में बात करते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है, मैंने आपको बताया था जब मैं प्रायद्वीपी पढ़ा रहा था, तो अभी दोबारा नहीं बताऊंगा। तो सह्याद्री आपको पीछे पिछले वीडियो में जाके देखना पड़ेगा, वो आप जाके पीछे देख लीजिए, ठीक है। तो हम पूर्वी तट के रिवर निकलने वाले रिवर के बारे में बात करते हैं। कुछ रिवर है जो बहुत ज्यादा छोटी छोटी है, ठीक है, कुछ रिवर है जो बहुत ज्यादा छोटी छोटी है, उनको आप लिख लीजिए पहले, ठीक है। पहले आप लिखेंगे गुजरात, सतरंजी है और मादर, ठीक है। ये सतरंजी और मादर, ये दोनों छोटी छोटी बहुत ज्यादा छोटी रिवर है, कहां पे, गुजरात में फ्लो करती है, ठीक है। तो आप इनको लिख लीजिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि सतरंजी और मादर किन की छोटी रिवर है, ये मतलब किस स्टेट में फ्लो करती है, तो गुजरात में, ठीक है। सेकंड आप लिखेंगे गोवा, सेकंड आप क्या लिखेंगे, गोवा, गोवा गोवा में कौन सी रिवर है, ठीक है, मांडवी और जुआरी, मांडवी और जुआरी, ये दोनों कहां पे रिवर है, छोटे छोटे रिवर है, कहां फ्लो करती है, गोवा रिवर में, ठीक है, सॉरी गोवा स्टेट में फ्लो करती है, मांडवी है जुआरी। मांडवी गोवा की राजधानी क्या है, पणजी या पन्नाजी, तो पणजी या पन्नाजी कहां पे स्थित है, मांडवी, मांडवी रिवर के तट पे स्थित है, मतलब मांडवी रिवर जो है इसके तट से होके जाती है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप लिख लेंगे। अगला पॉइंट, कर्नाटक की दो सहायक नदियां, कर्नाटक कहां पे है, यहां पे, ठीक है, कर्नाटक की दो, यहां पे मैं क्या लिख देता हूं आप समझ लीजिए, नहीं मैं हिंदी में लिख देता हूं पूरा, सरावती, यहां पे देखो आप सरावती है कर्नाटक, यहां पे देखो यहां पे कर्नाटक है नहीं, बट यहां पे मैंने बना दिया, ठीक है। तो आप समझ लीजिए सरावती और दूसरा क्या है, गंगोली, ठीक है, गंगोली, ये दो रिवर किसकी है, कर्नाटक की, आप अलग नोट करके लिखेंगे इसको, ठीक है। मैंने जितने रिवर बताया, गोवा में कौन है, ठीक है, मजूरी और मांडवी, ये दो रिवर है। गुजरात में कौन से बताया, सरावती और मादर, ये दोनों रिवर आपको लिखने हैं सर, ठीक है। कर्नाटक में कौन सी दो रिवर है, सरावती और गंगोली, कभी पूछ लेता है कि बताइए सरावती किस स्टेट में फ्लो करती है, तो आपको क्या लिखना है, कर्नाटक, ठीक है। तो ये हो गए कर्नाटक की। अब केरल के लिख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है केरल का, आप ध्यान दीजिए थोड़ा, ठीक है। केरल में तीन रिवर फ्लो करती है, पहला है पेरियार, दूसरा है भरतपूजा, तीसरा है पांबा, ठीक है, पांबा, पेरियार और भरतपुज, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज है, पेरियार और भरतपुज और पांबा, ये तीनों रिवर कहां पे फ्लो करती है, केरल में, तीन रिवर फ्लो करती है केरल में। आपको पूछा जाए एग्जाम में तो क्या लिखेंगे आप, पेरियार, भरतपूजा और पांबा, इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, भरतपूजा, ना कि पेरियार। हमारे माइंड में हमेशा पेरियार सेट रहता है, हम पेरियार लगा देते, बट यहाँ पे क्या है, भरतपूजा सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। और सेकंड रैंक पे ये है, फर्स्ट पे कौन है, भरतपूजा, और सेकंड पे पेरियार, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये बात हो गई किसकी, केरल की, केरल के रिवर के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा एक समझने वाली चीज है, मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान दीजिए आप, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आपको यहाँ पे डेल्टा फ्लो कर, डेल्टा का निर्माण करती है कौन से, प्रायद्वीपी की पूर्वी नदियां यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है, उसी तरह से यहाँ पे झील का निर्माण करती है या एस्टुअरी का निर्माण करती है, बट अभी हम यहाँ पे झील पढ़ेंगे, क्यों, देखो, क्योंकि देखो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से, तो रिवर यहां से जब आती है तो बहुत ऊंचाई से गिरती है, क्या होती है, बहुत ऊंचाई से गिरती है,
और जब वो ऊंचाई से गिरती है, जब ऊंचाई से गिरती है तो उनकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, स्पीड बहुत ज्यादा होती है। इसलिए अगर आप इस साइड पे अगर जाओगे तो आपको बहुत बड़े बड़े झरने देखने को मिलते हैं जो कि ऊपर से ऊंचाई से पानी गिरते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। बहुत बड़ा तालाब भी तैयार होता है वहां पे, ऊपर से डायरेक्ट नीचे की तरफ, ढलान ज्यादा होता है ना, तो ऊपर से जब पानी नीचे गिरता है तो बहुत अच्छा झरना वहां पे बनता है, क्योंकि ऊपर और फिर अरब सागर यहाँ नीचे, तो प्रायद्वीपीय हमारा भाग ऊपर उठा हुआ है ना, तो वहां से डायरेक्ट नीचे की तरफ। यहाँ पे भी वही कंडीशन होते थे, बट यहाँ की जो रिवर है वो पहाड़ों को काट के उसको सी लेवल पे लेके आ गए, इसलिए वहां पे और वहां की जमीन में फर्क नहीं है। सी लेवल हमारा और इस रिवर की जो गति है या इनका जो लेवल है दोनों सेम है, बट यहाँ पे क्या है, पहाड़े ऊपर उठी हुई हैं और हमारा ये अरब सागर नीचे है, जिसकी वजह से पानी डायरेक्ट नीचे गिरता है। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ जाता है कि बताइए सबसे लॉन्गेस्ट जलप्रपात, जलप्रपात कौन निर्माण करता है, सबसे बड़ा जलप्रपात कौन निर्माण करता है। तो सबसे बड़ा कौन करता है, जोग जलप्रपात, जोग जो जल प्रपात क्या करता है, सबसे बड़ा यहां से यहां तक निर्माण करता है, मतलब उसकी जो ऊंचाई है सबसे ऊंची, सबसे ऊंचाई पे, मतलब सॉरी सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन निर्माण करता है। ऊंचा और ऊंचाई दोनों अलग अलग है, ठीक है, अभी बताता हूँ क्यों अलग है। ऊंचा मतलब हमारा सरफेस और फिर जहां से उसकी ऊंचाई, पानी जहां से नीचे की तरफ गिर रही है, तो वहां से यहां तक की सबसे लंबी, या बोल दिया सबसे लंबी जलप्रपात कौन निर्माण करता है, कौन सी, जोग जलप्रपात, ठीक है। कितना है, 271 मीटर, कितना 271 मीटर, 271 मीटर इसका लंबाई है, ठीक है। और एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए सबसे ऊंचाई पे कौन सा जलप्रपात है, सबसे ऊंचाई पे कौन सा जलप्रपात है, तो सबसे ऊंचाई पे जलप्रपात कौन सा है बताओ, ठीक है। सबसे ऊंचाई का मतलब होता है कि देखो वो जलप्रपात जो है वो इस तरह से फ्लो करता है, यहां से आता है, यहाँ गिरता है, यहाँ गिरता है, यहाँ गिरता है, तो इसकी ऊंचाई 3 बार में बढ़ जाती है, जिसके वजह से अगर ये पर्वत अगर ये कम करते चले जाएगा, इस तरह से अगर कम हुआ, इन फ्यूचर अगर कम होता है, तो ये सबसे बड़ा हमारा जलप्रपात होगा। इसका नाम क्या है, कुंचिकल, क्या नाम है, कुंचिकल, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचाई पे, सबसे ऊंचाई पे है, मतलब पहाड़ माउंटेन की ऊंचाई यहाँ पे है, अगर हमारा ये वाला लिया जाए तो यहाँ पे है, ठीक है, मैं दोनों बना देता हूं, ठीक, ये हमारा जोग जलप्रपात है, जोग जलप्रताप प्रपात, ठीक है, ये हमारा जोग वाला, जोग का देखो यहाँ पे आपने सीधा सीधा लंबाई, बट इसी तरह से अलग अलग 3 भाग में बटा हुआ, क्योंकि माउंटेन की स्ट्रक्चर इस तरह से, अगर इन फ्यूचर ये अगर डिवाइड कर देता है हो जाएगा हमारा, बट अभी आज अभी वो किस नाम से जाना चाहिए, सबसे ऊंचाई पे, मतलब सबसे ऊपर है हमारा जोग, यहाँ पे है तो ये यहाँ पे, तो सबसे ऊंचाई पे कौन है, जलकुंज, ठीक है, कुंची जल, ठीक है। तो ये सब बात हो गई किसकी, पूरी पूर्वी, पूर्वी रिवर के बारे में, ठीक है, सॉरी पश्चिमी तट के बारे में बात हो गई, पूर्वी का तो मैंने कल बता दिया था। तो अभी ये पूरा टॉपिक हमारा खत्म होता है रिवर का, इसके बाद अब कोई टॉपिक नहीं, कल इसलिए मैंने उसको अलग टॉपिक ले लिया, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें से मैंने आप लोग को ज्यादा नहीं बताया, अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो, ठीक है, इसलिए मैंने आज इस टॉपिक को अलग से ले लिया। आप इनको नोट कर लेंगे अच्छे से और इनके बारे में डेली रिविजन आप करते रहेंगे, ठीक है। कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करिए, और इससे पहले आप अगर मेरा वीडियो देखते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे ये होगा, और बेल आइकन को जरूर दबाएगी, उसको मत भूलिए दबाना, क्यों, क्योंकि इससे ये होगा कि मैं कभी भी वीडियो डालूंगा तो आपको पहले नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, कौन सा चल रहा है, तो आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पाएगी। तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर ऐसा होता है तो आप शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, शेयर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएंगे, ठीक है, और मैं और भी ज्यादा सिलेबस अच्छे से करूंगा, फटाफट होगा, ठीक है, अगर और ज्यादा बच्चे आ जाएंगे तो और मेरा भी मन लगेगा इन चीजों को करने में, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और आगे आगे से शेयर कर दें। तो ये बात हो गई किसकी, रिवर की, ये बात खत्म हो गई, रिवर चैप्टर फिनिश। अब इसके बाद हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैं डिसाइड नहीं किया अभी, डिसाइड करूंगा कि मिट्टी स्टार्ट की जाए, मानसून स्टार्ट की जाए, झीलें स्टार्ट की जाए, भारत में कौन कौन से प्रकार की झीलें हैं, खनिज स्टार्ट की जाए,
तो डिसाइड करेंगे। और जल्दी ही मैं अब हिस्ट्री की भी लाने वाला हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। जल्दी मैं हिस्ट्री की सीरीज लाने वाला हूँ। पहले हिस्ट्री में हम मॉडर्न पढ़ेंगे, फिर मेडिवल और फिर एशियन पढ़ेंगे, ठीक है। उल्टा जाएंगे ना कि एशियन मेडिवल, क्योंकि एशियन से और मेडिवल से बहुत ज्यादा कम क्वेश्चन बनते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली 20 साल के क्वेश्चन पेपर ही रिपीट ज्यादातर होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले मेडिवल पढ़ेंगे फिर मॉडर्न, सॉरी पहले मॉडर्न फिर मेडिवल फिर एशियन पढ़ेंगे, इसे सीरीज में हम जाएंगे। उसके बाद ये ज्योग्राफी, अगर इंडियन ज्योग्राफी खत्म हुआ फिर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आ जाऊंगा, ठीक है। एक बार हमारा इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म होता है तो हमारा ज्योग्राफी का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए